एक आर्टिस्ट पेंटर होते हैं जो लोगों की, कृष्ण भगवान की या बच्चों की तस्वीर बनाते हैं, उनको ज़्यादातर अहदा मिला हुआ है कि ये कलाकार हैं। लेकिन हम भी किसी के घर को इतना सुंदर बनाते हैं और हमारे काम से उनको लगता है कि मैं एक अच्छे घर में और सुंदर घर में रह रहा हूँ, तो किसी भी चीज़ को सुंदर बनाना कलाकारी ही है। मेरा नाम उपेंद्र महतो है, हम 9वीं कक्षा तक पढ़े बिहार में, 9वीं पास हो गए, 10वीं में मैं इंटर किया, लेकिन किसी कारणवश मैंने उसका परीक्षा नहीं दे पाया। फिर लगा कि अब घर में कुछ पैसे कमाने चाहिए और बाहर निकलना चाहिए, तो मैं चला आया अपने दोस्तों के साथ। और दिल्ली में जब हम आए, कंस्ट्रक्शन के काम में लग गए, उसके लिए वाइट सीमेंट लिखी है, वाइट सीमेंट 5 kg लिख दी, अल्टीमा शेड कर दिखा देना। पहले मैं अपने आप करता था काम, एक दो आदमी को लेके, आज 10 आदमी 20 आदमी हमारे पास काम करते हैं। उन्हीं काम के बदौलत से आज हम अपना एक रहने का मकान भी ले रखे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, गांव में भी प्रॉपर्टी ले रखे हैं, 2 पैसे सेव भी करते हैं, और इसी काम को हम अपना कर्म धर्म और कलाकारी भी मान लिए और इसी काम को आज तक करते आ गए। पिताजी हमें पहली बात तो ईमानदारी की पाठ पढ़ाई कि भाई आप कहीं भी रहो तो मार्केट का एक चोर मत बनना, ट्रेन में झगड़ा मत करना, और पड़ोसी के दुकानदार को उधार अगर ले भी रहे हो तो उसके पास जाते रहना। उनका योगदान ही मैं समझता हूँ कि है कि मैं 100% किसी के विश्वास पर मैं खड़ा उतरता हूँ कि वो काम सक्सेसफुल हमें होता है, हम उनको भगवान ही मानते हैं। क्लाइंट को हम चाहते हैं उनको नुकसान होने नहीं देते, तो उनको फील इतना हम करा देते हैं कि ये हमारा बचत चाहते हैं, इतना संतुष्ट कर देते हैं कामों से भी, मटेरियल से भी, तो इस कारण के हम कस्टमर के दिल में बैठ भी जाते हैं और अपने घर की तरह काम करते हैं, पूरी शिद्दत से मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो इस कारण हमारे क्लाइंट हमारे से ही जुड़े रहते हैं। इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारा बिजनेस इतना चल गया, हमने प्रॉपर्टी कर ली, हमने बच्चों को पढ़ा लिया, तो हमने सोचा नहीं था वो चीज़ हो गया, तो हमारे अंदर तो खुशी ही है, और शायद ये खुशी के कारण ही और खुशी मिलती है।